गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जैसे आपको थंबनेल से दिख ही गया होगा कि मैं क्या खाने वाली हूँ, बट सिर्फ जो मैं खाने वाली हूँ सिर्फ उसके बारे में नहीं है, आज इसके अलावा मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। तो आज जो मैं खाने वाली हूँ वो है अंडा बिरयानी यानी एग बिरयानी। उसके साथ खाऊँगी मैं मिर्ची का सालन और बुरानी रायता। बुरानी रायता जो होता है वो गार्लिक को बर्न करके भून करके डाला जाता है, बनाया जाता है। इसके अलावा जो मैं आपको बताने वाली हूँ बिरयानी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जो अननोन फैक्ट यानी आपको भी नहीं पता थे, इवन मुझे भी नहीं पता था ये चीज़ें। जब मैंने बिरयानी के बारे में खाने लगी तब मैंने सोचा कि ये बिरयानी हम खा तो लेते हैं, बट एक्चुअल में ये आई कहाँ से, इसका मतलब क्या होता है, हम जो खा रहे हैं उसमें क्या क्या गुण होते हैं, ये चीज़ें मैंने सोचा कि चलो यार पढ़ लेते हैं और खा लेते हैं। तो वही चीज़ मैं आपके साथ भी अब शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा, और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं समझ में आ रही है या मुझ में कोई मैंने कोई गलत बोला है तो प्लीज़ उसे कमेंट में मुझे सही कर लीजिएगा, और मेरा वीडियो प्लीज़ आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको भी थोड़ी नॉलेजेबल चीज़ें मिल जाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। गाइस पता है बिरयानी क्या होती है? एक्चुअल जो है ना बिरयानी सिर्फ तीन चीज़ों से मिलती है, तीन चीज़ों का मिक्सचर होता है। एक होता है चावल, क्योंकि ये राइस डिश होती है, चावल, उसके साथ आप बहुत सारे मसाले, जो मसाले जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं वो चीज़, प्लस थर्ड आपका मिक्स, या तो आप मीट या वेजिटेबल जो भी है, जैसे कोई वेजिटेरियन है तो वो मतलब इसे वेजिटेबल्स को डाल दें, नहीं तो नॉन वेजिटेरियन मीट, इन तीनों को मिक्स करके धीमी आंच में काफ़ी लंबे समय तक पकाया जाता है और तब जो आता है उसे कहा जाता है बिरयानी। कहते हैं ना कि जितना धीमी आंच में चीज़ों को बनाओ वो ज़्यादा टेस्ट करती है, वो मैं फील कर रही हूँ, काश मैं आपको भी फील कर पा पाती। इसका जो ओरिजिन है ना मैं आपको बताती हूँ, ये थर्टीन्स में हुआ था और मुग़ल जब एम्परर थे हमारे यहाँ उस समय इसका मुस्लिम कंट्री के मतलब ज़्यादा वहाँ पर बनाया जाता था। सेकंड थिंग इसका जो था वो एशियन कंट्रीज़ में, जैसे अभी भी अब तो ये हर ऑल ओवर वर्ल्ड हर जगह पाया जाता है बिरयानी, बट एशियन कंट्रीज़ से ही इसका ज़्यादा ओरिजिनली हुआ था इसको। आपको पता है बिरयानी जो है एक पर्शियन वर्ड है जिसे फ़ारसी कहा जाता है, और ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है ब्रिंज और दूसरा है बेरियन। तो ब्रिंज का जो मतलब होता है वो होता है राइस, चावल, और जो बेरियन है उसका मतलब होता है रोस्ट या फ्राई, यानी किसी चीज़ को भूनना, जैसे बिरयानी में हम जो है भून करके डालते हैं ना मसालों को, किसी चीज़ को भूनना। आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी मैं, पहले मैं सोचती थी कि बिरयानी और पुलाव जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, बट जब मैंने इसके बारे में पढ़ा कि भाई जो मैं खा रही हूँ उसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता चले, तब मुझे पता चला कि बिरयानी और जो पुलाव है उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ बिरयानी और पुलाव में क्या डिफरेंस होता है। कि जो पुलाव होता है वो तो इंस्टेंटली बन जाता है, जैसे घर में होता है कि भाई हमको लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी कुछ भी डाल दिया, उसमें जो भी वेजिटेबल है वो डाल दिया और आपने इंस्टेंटली बना लिया, क्योंकि उसमें कोई ग्रेवी वगैरह नहीं होती कि काफ़ी लंबे समय तक बने, इंस्टेंटली भूख लगी है 5-10 मिनट में बन भी जाता। बट जो बिरयानी होती है उसमें क्या होता है, ग्रेवी के साथ मसालों को काफ़ी लंबे समय तक दम लगा करके कम आँच में, धीमी आँच में आपको काफ़ी लंबे समय तक पकाना होता है, और तब जो उसका स्वाद आता है वो ऐसा होता है जैसा मैं ले रही हूँ। गाइस सबको पता है अब तो बिरयानी हो गई है बहुत सारी,
बट एक्चुअल में जो बिरयानी है सिर्फ दो तरीके की होती है, एक होती है कच्ची बिरयानी और दूसरी होती है पक्की बिरयानी। तो चलो पहले मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ और तब मैं आपको बताती हूँ कि कच्ची बिरयानी और पक्की बिरयानी में क्या डिफरेंस होता है। कि कच्ची बिरयानी में क्या होता है, जितने भी मसाले हैं या मीट है या आपको जो वेजिटेबल बनानी है वो सारी राइस के साथ एक साथ मिक्स करके कुकर में चढ़ा दिया या दम लगा दिया, आप उसको बना देते हैं। बट पक्की बिरयानी में क्या होता है, अगर सपोज़ आपको मीट बिरयानी बनानी है तो मीट को अलग पकाया जाएगा, मसालों को अलग पकाया जाएगा, प्याज को अलग पकाया जाएगा, जितनी भी चीज़ें उसे अलग 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 करके पकाया जाएगा और काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है तुम्हारा पक्की बिरयानी में। तो ये दोनों डिफरेंस होता है। और एक्चुअल बिरयानी जो होती है वो कच्ची और पक्की ही होती है। अब तो हैदराबादी और ये फलाना ढिपकाना पता नहीं कौन कौन सी बिरयानी होती है जो मैंने कभी टेस्ट भी नहीं करी। तो ये है एक्चुअल बिरयानी। तो चलिए फिर खाते हैं फटाफट। मैं ना कुछ आपको बिरयानी के नाम बताती हूँ, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या ये बिरयानी खाई है, क्योंकि मैंने इसमें से एक दो ही खाई है। बट आप मुझे बताइएगा, जैसे हैदराबादी बिरयानी, देगी बिरयानी, ढाकिया बिरयानी, कोलकाता बिरयानी, आपको पता है जो ये अंडा बिरयानी है वो सबसे ज़्यादा कोलकाता में खाई जाती है, तो एक तरीके से कोलकाता बिरयानी खा रही हूँ मैं। सिंधी बिरयानी, साउथ में चेटनाद बिरयानी खाया जाता है, पाकिस्तान में लाहौरी बिरयानी, अफ़गानी बिरयानी, ऐसी बहुत सारी बिरयानी हैं जो शायद से मेरे को भी नहीं पता होगी कि और कितनी बिरयानी होगी। तो आप में से जिसने भी इसमें से कोई भी खाई होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कौन कौन सी खाई है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ऐसे ही अननोन फैक्ट के साथ आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।